नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी से जुड़ी हुई खबर है। मुकेश सहनी ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं और मुकेश सहनी ने पहले ये संकेत दिए थे, बीजेपी को ये मैसेज दिया था कि बीजेपी का रवैया यही रहा तो मेरे पास विकल्पों की कमी नहीं है, मेरे पास विकल्प है। मुकेश सहनी तेजस्वी यादव का गुणगान, लालू यादव का गुणगान पहले भी कर रहे थे और जब झारखंड में अपनी पार्टी के विस्तार के लिए मुकेश सहनी पहुंचे तो मुकेश सहनी ने ये कहा कि लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं। तो जाहिर तौर पर एनडीए गठबंधन में रहते हुए अगर मुकेश सहनी लालू यादव का गुणगान कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मुकेश सहनी अब अपने अगले विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, आगे का रास्ता तलाश रहे हैं और मुकेश सहनी ये समझ गए हैं कि एनडीए में अब उनके दिन बीत चुके हैं, उनके दिन लद गए हैं और यूपी चुनाव इसकी एक प्रमुख वजह है। बहुत पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत फ्लैशबैक में जाने की जरूरत नहीं है। बहुत संक्षेप में अगर कहें तो मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा और जेडीयू ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन जेडीयू के मुकाबले मुकेश सहनी बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे। जो जेडीयू ने नहीं किया वो मुकेश सहनी ने कर दिखाया, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए और उस विज्ञापन में लोगों से ये अपील की कि बीजेपी को वोट मत दीजिएगा। चुनावी सभाओं में लोगों से अपील की कि जहां वीआईपी का उम्मीदवार हो वहां वीआईपी को वोट दे दीजिए, जहां वीआईपी का उम्मीदवार ना हो वहां सपा बसपा कांग्रेस किसी को वोट दे दीजिए। तो इसकी कीमत अब मुकेश सहनी को चुकानी पड़ेगी ऐसा लगता है, क्योंकि बीजेपी के नेता सांसद लगातार ये कह रहे थे कि मुकेश सहनी को भुगतना होगा, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। वो जहां की सीट भी जा सकती है, मंत्री पद भी जा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से मुकेश सहनी ने साफ तौर पर यह कहा है कि लालू यादव हमारे दिल में बसते हैं, इससे यह साफ हो गया है कि मुकेश सहनी खुद भी अपना रास्ता तलाश रहे हैं और बहुत हद तक संभव हो कि वो बीजेपी की तरफ से किए जाने वाले किसी खेल का इंतजार न करें, पहले ही खेमा बदल लें या फिर मुकेश सहनी किसी जुगत में लगे हों, मुकेश सहनी की बातचीत भी चल रही हो किसी नेताओं से, इसके भी संकेत हैं। हालांकि अभी वो जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन लालू यादव को जो लालू यादव को लेकर जो बयान दिया है उस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई और तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव तो सबके दिलों में बसते हैं। तो जाहिर तौर पर ये बिहार की राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है, एक बड़ा डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बिहार की पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी के दिल में लालू बसने लगे हैं। लालू यादव उसी पार्टी के सुप्रीमो हैं जिस पार्टी के सर्वे सर्वा और जिनके पुत्र तेजस्वी यादव के बारे में मुकेश सहनी ने कहा था कि उन्होंने मेरी पीठ में खंजर घोपा है। सवाल यह भी है कि क्या खंजर निकल गया है, इसलिए लालू यादव तेजस्वी यादव अब अच्छे लगने लगे हैं। तो बिहार की राजनीति में अब बहुत कुछ होना है, क्योंकि बोचहां उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तारीख का ऐलान हो गया है और तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जानी है, क्योंकि 24 मार्च तक ही समय बचा है नामांकन का। 24 मार्च अंतिम तारीख है नामांकन के लिए, तो अगले 10 दिनों में सब कुछ साफ हो जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी रिपोर्ट।